ऊ विश्वानि देवसवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ऊ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा ॐ ऊं शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम श्री परमात्म नम श्रीमदगवद्गी गीतामृतम ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे जिसमें भगवान ने अपने प्रादुर्भाव का प्रयोजन बताया परित्राणा नाम विनाशाय च दुष्कताम धर्म संस्थापनार्था संभवाम युगे युगे फिर अपने उस जन्म और कर्म के रहस्य को बताया कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है जन्म कर्म चमे दिव्यम यो योगी तत्वतः जो मेरे जन्म और कर्म दोनों को जानता है तत्वतः वह मेरे को प्राप्त होकर त्यक्वा देहम पुनर्जन्म नैतिमा मामेति सौर्जुना वह देह का परित्याग करके फिर जन्म नहीं लेता वो मेरे को ही प्राप्त होता है और फिर भगवान ने यह भी बताया कि जिस प्रकार की भावना से युक्त होकर के व्यक्ति भगवान को भजन करता है भगवान उसी भावना से उसको प्राप्त होते हैं अर्थात जिस कामना को लेकर के भक्त भगवान का भजन करता है उनका स्मरण करता है भक्ति करता है भगवान उनके कामनाओं को पूर्ति करके मानो उनका भजन करते हैं और इस प्रकार से भगवान अपने आने का प्रयोजन बताया और आने के प्रयोजन बताने के लिए फिर आकर करना क्या होता है किस प्रकार से इस सृष्टि चक्र को चलाना होता है उसमें कौन से कर्म है जो इस सृष्टि को धारण और पोषण करने में समर्थ है उसके लिए भगवान ने कहा श्लोक संख्या तेरह में चातुर्वण्यम या सृष्टम गुण कर्म विभाग सर्तारमीमा विद्धि अ कर्तारम अव्ययम कि चारों वर्णों को मैंने ही रचा गुण विभाग पूर्वक कर्म विभाग पूर्वक सत्वरजतम ये गुण है और इन गुणों के प्रधान होने से ज्ञान प्रधान कर्म प्रधान सेवा प्रधान ये भेद होते हैं और इसी गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक भगवान ने कहा कि मैंने ही इन चारों वर्णों के क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण शुद्ध ये चारों वर्ण के मैंने ही रचना की और फिर एक बात विशेष कही भगवान इस श्लोक में कि तस्य करतारम अपनी माम विधि अकर्तारम करतारम मैं सब को करता हूँ सबको मैं किया हूँ सबकी रचना की, की सबको जन्म दे करके उन उन कर्मों में लगाया हूँ परंतु इतना करने के बाद भी भगवान कह रहे हैं कि मेरे को अकर्तारम विद्धि मेरे को अकर्ता समझो क्योंकि मैं करता नहीं ये करते हुए भी मैं करता नहीं कारण कारण यही है कि मैं रागत द्वेश पूर्वक कर्म नहीं करता हूं। ये सृष्टि कर्म ये कर्म ही है भयंकर कर्म है सामान्य व्यक्ति तो इस कर्म को कर ही नहीं सकता पूरे पृथ्वी के बौद्धिक और शारीरिक और जितने भी क्षमताएँ हैं जितनी ऊर्जा हैं जितनी शक्तियाँ हैं मनुष्य में उन सबको लगा दी जाए तो भी ब्रह्मांड की रचना करने में पृथ्वी आदि की रचना करने में असमर्थ हैं और ऐसे भयानक कर्म महान कर्म को करते हुए भी भगवान कहते हैं कि मैं अकर्ता हूँ मेरे को कोई कर्म लिप्त नहीं करते आगे कह रहे हैं उसमें स्पष्ट कर रहे हैं भगवान श्लोक संख्या चौदह में नमाम माम कर्माणे लिपंती न में कर्म फले स्पृा माम युजानाती कर्म भी न सबद्य भगवान कह रहे हैं कि कर्मफले में स्पृहा न माम कर्माणी न लिपंती यह माम अभिजानाति। कह रहे कि कर्म फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है कोई राग नहीं है मैं कर्म करता हूँ ये भी कर्म है सृष्टि उत्पत्ति स्थिति संहार भगवान के तीन कर्म हैं सृष्टि को उत्पन्न करना सृष्टि को धारण करना और अंत में सृष्टि का लय करना ये तीन मुख्य कर्म हैं उसी के अंतर्गत जीवों पर निग्रह अनुग्रह ये भी सब करना भगवान के कर्म है क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति धारण करने के बाद भी जीवों पर निग्रह करना किसका कर्माशय कैसा है पुण्य पाप के रूप में है तो उन्हें इस प्रकार के सुख दुखों से नियुक्त करना और कोई भक्ति कर रहा है कोई भजन कर रहा है भगवान के स्मरण कर रहा है तो उन पर अनुग्रह करना उनके दुखों को हटाना भी एक तो होता है कि कर्म फल व्यवस्था वै। के अनुसार भगवान के नियम है रीति नीति है उस नियम पर यदि कोई चलेगा तो भगवान की एक नियम व्यवस्था है उस मर्यादा के अनुकूल उनको पुण्य के अनुसार सुख मिलेगा पाप के अनुसार दुख मिलेगा परंतु इसके अतिरिक्त भगवान अनुग्रह ये करते हैं कि यदि कोई भजन करता है भगवान का स्मरण करता है तो उन समस्त कर्मों को भस्म करके मुक्ति प्रदान करते हैं सुख दुख से दूर कर देते हैं सदा आनंद कर देते हैं तो भगवान का निग्रह और अनुग्रह ये भी कर्म है तो इस प्रकार भगवान करें कि सब कुछ करते हुए भी मैं अकरता भगवान इसलिए अकरता है क्योंकि भगवान कर रहे हैं यानी कि सब जीवों का निर्माण भगवान ने ही किया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में और उसमें भी ब्राह्मण में बहुत बार एक ब्राह्मण तो है नहीं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे ब्राह्मणों की बहुत सारे क्षत्रियों की बहुत सारे वैश्यों की बहुत सारे शूद्रों की रचना की भगवान और उनमें भी जिनका जिस प्रकार से पूर्व जन्म में कर्म था उनके अनुसार सुख दुख भोगों से उनको युक्त किया उन प्रकार के ज्ञान वैसे ही सुख दुख उसी प्रकार से सब पूर्व जन्म के अनुसार किया अब कई प्रश्न ये यहाँ पर उठाते हैं कि भगवान ने ही यदि सब किए हैं तो इसमें भगवान की गलती है किसी को सुखी बना दिया किसी को दुखी बना दिया किसी को बलवान बना दिया किसी को कमजोर बना दिया तो इस प्रकार से ये जो विषमताएं हैं ये भिन्नताएं हैं इन भिन्नताओं का कारण भी भगवान स्वयं है क्योंकि भगवान ने क्या किया बांट दिया कहते हैं कि भगवान ने क्या किया बांट दिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें सब बांट दिया इसलिए बांटने से भगवान स्वयं कह रहे कि मैंने ही किया है किया है इसका मतलब कि भेदभाव किया है भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में भेदभाव किया है तो कह रहे हैं कि भगवान इस विषय में विचार किया जाता है ब्रह्मसूत्र में भी प्रकरण आता है और ऐसे प्रसंग बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं ही सब कुछ करता हूँ लेकिन वहां पर भी जब ये बात आती है कि यदि भगवान ही सबको कर रहे हैं तो ये भेदभाव के कारण भी भगवान है ये जो विषमताएं हैं सुखी बना दिया तो चलो भगवान को कोई समस्या नहीं भगवान को कोई दोष नहीं देगा क्योंकि सुखी व्यक्तियों को बनाया है तो भगवान की प्रशंसा ही है परंतु दुखी व्यक्तियों को भगवान ने बनाया तो वहां भगवान की निंदा होनी चाहिए कि भगवान निर्दयी है दुखी क्यों बनाया यदि भगवान भगवान के सब पुत्र तो सब पुत्र पुत्र हैं हैं तो तो सुखी होने चाहिए यदि कह रहे पिता अपने पुत्र को दुखी थोड़े डालेगा तब उस विषय में कहा जाता है सूत्र है ब्रह्म सूत्र का विषम में नैर्घे न सापेक्ष तथा ही दर्शयती जब ये प्रश्न उठा तो उन्होंने कहा कि विषमता और निर्दयता जो दो दोष भगवान पर लगाए गए कि भगवान एक तो विषम दृष्टि वाला है भेदभाव करता है और दूसरी भेदभाव में यदि दुखी बना दिया तो निर्दयी भी हो गया तो कह रहे कि नहीं भगवान बनाते हैं सबको बनाते हैं बात सही है यहाँ पर भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्या सृष्टम गुणकर्म भाग से सही बात है परंतु सापेक्ष साप सापेक्ष मतलब कर्म सापेक्ष बनाते हैं पूर्व में जो उस जीव के कर्म थे उन कर्मों को ध्यान में रख करके जो ज्ञान से युक्त था ज्ञान को चाह रहा था उनको ज्ञानवान बना दिए जो कर्म से युक्त था जो छात्र धर्म से युक्त था उसी प्रकार के वृत्ति के लेकर के आजीवन रहा है और मरते समय भी उस वृत्ति को लेकर मरा भगवान उसको छत्री में डाल देते हैं इस प्रकार से जो जिस जिस भावना से युक्त होकर के जिस भावना से भावित होकर के मृत्यु को प्राप्त किया है अगले जन्म में भगवान वही दे देते हैं भगवान अपने मन से कुछ नहीं देते हमने जो मांगा है भगवान वही दे देते हैं हमने जैसी वृत्ति बनाई है भगवान इसमें निरपेक्ष रहते हैं हमारे कर्मों को देखते हैं और पूर्व कर्मों के अनुसार ही जन्म देते हैं इसलिए भगवान में ये जो विषमता है और निर्दयता है ये दो दोष नहीं लगेंगे क्योंकि बिना कारण के यदि बना देते बिना कारण के अकारण ही किसी को ब्राह्मण बना दिए किसी को क्षत्रिय बना दिए किसी को वैश्य किसी को शूद्र तब तो समस्या हो सकती कि अपना भेदभाव किया परंतु भगवान करके नहीं पूर्व कर्म था उनका वैसा उसी प्रकार के उनकी वृत्ति थी उसी प्रकार के राग से लेकर के वो पूरा जन्म गुजारे हैं और मृत्यु समय भी वही वृत्ति लेकर मरे हैं चाह रहे हैं वही अंत में चाह जो हमारी मृत्यु के समय पता चल जाती है हमारी चाह क्या है तो इस प्रकार से जो है जो जैसा मांगा है भगवान ने वैसा ही दिया है इसलिए भगवान तो सबके कल्याण के लिए ही जगत की रचना की है कोई भेदभाव नहीं किया यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए कि वहां जीवों के अपना कर्म है जीवों के कर्म पूर्वक ही भगवान ने चारों वर्णों की रचना की और उस वर्ण में जो भी भिन्नताएं आपको दिख रही हैं, उसका कारण भगवान नहीं है अभी तो जीवों के कर्म है लेकिन इतने भयंकर कर्म करते हुए भी भगवान कह रहे हैं कि मेरे को अकर्तारम ही समझना मेरे को अकर्ता ही समझना क्यों क्योंकि मेरे को फल में आ सकती नहीं कर्म के जो फल हैं क्योंकि मैंने इस सृष्टि की रचना की तो मैंने राग पूर्वक नहीं किया और ही नहीं पूर्वक मैं संहार करता हूँ भगवान संहार भी करते हैं किसी की मृत्यु भी दिलाते हैं भगवान मृत्यु भी दिलाते हैं तो किसी को मृत्यु दिलाते हैं तो उसमें भगवान का द्वेष भी नहीं है और किसी को जन्म दिलाते हैं तो राग भी नहीं है भगवान के जो कर्म हैं वो राग द्वेष रहित थी इसलिए भगवान का कर्म फले में स्पृह न और माम कर्माणी न लिपंती इस कारण से मेरे में कर्म लिप्त नहीं होते मैं समस्त कर्म को करते हुए भी वो मेरे को प्रभावित नहीं करते क्योंकि मैं राग द्वेष से रहित होकर कर्म करता हमारे कर्म जो होते हैं वो राग द्वेष पूर्वक होते हैं हम राग पूर्वक या तो कर्म, कर्म करते हैं या तो द्वेष पूर्वक कर्म करते हैं परंतु परमात्मा का कर्म जो है राग द्वेश रहित है इसलिए जो कर्म राग द्वेश रहित होगा वह कर्म बांध नहीं सकता प्रारंभ से ही प्रश्न ये है कि वो कौन से कर्म हम करें जिसे बंधन में न आवे प्राय ये सुना जाता है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा पुण्य करेगा तो स्वर्ग मिलेगा पाप करेगा तो नरक मिलेगा जो जैसा कर्म करेगा वैसा पाएगा अब ये बंधन ही है चाहे स्वर्ग जाए या नरक जाए सब बंधन ही है तो मुक्त कैसे हो तो कर्म करेंगे तो बंधन में जाना ही है इसलिए एक दर्शन चला कि भाई कर्म त्याग कर दो न कर्म करेंगे और न बंधन में आएंगे तो भगवान कहते हैं कि नहीं, नहीं। कर्म तो कोई त्याग ही नहीं सकता ये तो पहले ही भगवान ने बता दिया कि कर्म का कोई त्याग कर ही नहीं सकता अब विचारण ये विषय है कि कर्म करते हुए कर्म का बंधक तो ना लगे जैसे बिच्छू है बिच्छू का डंक काट दिया जाए तो अब बिच्छू से हम खेल सकते हैं या सर्प है सर्प का विष वाला दंत निकाल दिया जाए तो उस सांप से खेल सकते हैं तो कर्म में जो एक दोष है ये कर्म बंधन का कारण बनता है वह जो कर्म का बंधत्व है वह किस प्रकार से नष्ट होगा तो भगवान यहां पर कहते हैं हाँ राग रागद्वेश रहित होकर कर्म करें तो जैसे मैं कर्म करता हूं राग द्वेश रहित होकर के वो कर्म मेरे को बाधित नहीं करते सब कर्म करूंगा मैं किसी को सुख में डालूंगा किसी को दुख में डालूंगा यथा योग्य व्यवहार में करता हूं लेकिन फिर भी मैं राग रागद्वेष रहित होने के कर, कारण वो कर्म मेरे को बांध नहीं सकते और इस प्रकार से जो मेरे को जानता है यह माम अभी जान इस प्रकार से जो मेरे को जानता है तो भगवान कह रहे हैं कि सर्म भी न बद देते वो भी कर्म के बंधन में नहीं आता देखिए मेरे इस कर्म के रहस्य को क्योंकि भगवान ने पहले दिया जन्म कर्म से दिव्य हम दिव्य भगवान के कर्म होते हैं क्यों कर्म में दिव्यता तभी आती है जब हम राग द्वेश रहित होकर करते हैं कर्म में दिव्यता तभी कि जब राग द्वेश रहित होकर कर्म के तो विशुद्ध कर्म होगा नहीं तो हमारी भावना उसमें आ जाएगी कर्म में हमारी भावना जुड़ जाती है राग की भावना अथवा द्वेश की भावना तो राग द्वेश की भावना जुड़ जाने से कर्म गंदा हो जाता है और इसलिए वो फल देता है वो हाँ जन्म देता है जन्म में सब दुख चलता ही रहता है इस कारण से विशुद्ध कर्म करना है तो राग द्वेश होकर तो कर्म करना पड़ेगा और वो राग द्वेश रहित तो होना ही जो है उसको निष्काम कर्म कहते हैं निष्काम कोई स्वार्थ के लिए नहीं कर्म करना परमार्थ के लिए कर्म करना दूसरे के सुख के लिए जीवन जीना अपने सुख का परित्याग करना तो अपने को पूर्ण संयमित होकर के अपने को कष्ट में भी डाल करके अपने पर कठोरता भी बरत करके दूसरे के प्रति मृदु व्यवहार रख करके दूसरे के सुख की कामना करना उसी के लिए प्रयत्नशील आजीवन रहना अपने लिए कुछ न चाहना लेकिन दूसरे के लिए सब चाहना ये जो है इसमें अपने आप को तपाना पड़ता है ये कर्मयोग है कर्मयोग में तपना पड़ता है अपने प्रति कठोर रहना पड़ता है स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करना पड़ता सब कुछ रहते हुए भी सब भोग सामग्री रखे हुए है, लेकिन अपने लिए नहीं उसको बांट करके खिलाने के लिए दूसरे के लिए होता है तो भगवान कहा कि इस प्रकार के मेरे कर्म रहस्य को जो जानता है वह भी कर्म से लिप्त नहीं होता वो कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता यानी कि राग द्वेष हटा दे और कर्म करें तो विशुद्ध कर्म होगा और वह विशुद्ध कर्म जो है अब बंधन में नहीं डालेगा इसलिए जो कहा जाता है कि कर्म का त्याग ही एकमात्र साधन है कर्म जब करेंगे तो उसके गुण दोष होंगे तो भगवान करेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है ये कर्मयोग एक ऐसी परंपरा है ऐसी युक्ति है कि इस कर्मयोग से कर्म के जो बंधत्व है वास्तव में राग द्वेष ही बंधन के कारण हैं, उस राग द्वेष रूपी जो बंधन के कारण हैं, उसको हटा देते हैं तब वो कर्म विशुद्ध कर्म हो जाता है वो बंधन का कारण न होकर के मोक्ष का कारण हो जाता है भगवत प्राप्ति का वही कर्म साधन बन जाता है तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर कहा कि जो इस प्रकार से मेरे को जानता है मेरे इस कर्म के रहस्य को जानता है वह भी बंधन में नहीं आता वही वह भी कर्म बंधन से नहीं बंधता और कह रहे कि बात हमारी तुम्हारी नहीं है ये बात ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूँ तुम करोगे तो प्राप्त हो ऐसा नहीं है आप तो बहुत पहले से हो चुके हैं लोग इस मार्ग का अनुसरण करते आए हैं उसी को कह रहे हैं भगवान ताकि विश्वास हो जाए एक विश्वास भी जताना होता है ये बात पहले ही भगवान कह चुके हैं कि परंपरा कोई नई परंपरा में नहीं डाल रहा हूँ ये पूर्व में भी मैं बता दिया विवस्वान को बताया हूँ सूर्य आदि को बताया उन सब सबने इस मार्ग का अनुसरण किया है और सब मुक्त हुए हैं सब बंधन में नहीं आए सब मुक्त हुए हैं इसलिए तुम डरो मत ये कोई नई बात नहीं है नई परंपरा नहीं है तो भगवान आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या पंद्रह में एवं ज्यावा कृतम कर्म भी गुरु कर्म तस्मा पूर्व पूर्वतरम कृत भगवान कह रहे हैं कि पूर्व ही भी अपनी एवं जात्वा कर्म कृतम पूर्व में भी मोक्षुओं ने मोक्षो मतलब जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है उसको मुमुक्षु कहते हैं जो मोक्ष की कामना रखने वाला पूर्व में भी उन मुमुक्षुओं ने पूर्व काल में तुमसे बहुत पहले एवं जातवा इस प्रकार कर्म के रहस्य को जान करके ये कर्म योग के रहस्य को जान करके कर्म कृतम कर्म क्या है उन्होंने कर्म छोड़ा नहीं है. जो तुम्हारे सामने विपत्ति आई है ऐसी ऐसी विपत्तियां बहुत लोगों के पास आई है और फिर भी उन लोगों ने कर्म को नहीं छोड़ा है उन राजर्षियों ने उन राजाओं ने और ने उन कर्मों को नहीं छोड़ा है तस्मात इसलिए और मुमुक्ष हैं मोक्ष की इच्छा रख करके कर्म का त्याग नहीं किया उन्होंने भी जो है कर्म त्याग नहीं किया कर्म किया है इसलिए तस्मात तुम पूर्व ही पूर्वतरम कृतम इसलिए उन पूर्वजों के द्वारा जो सदा से जो किए जाने वाले कर्म हैं पूर्वजों के द्वारा पूर्व ही यानी कि पूर्व के द्वारा जो पूर्वज हैं उनके द्वारा जो किया गया पूर्वतरम कृतम यानी कि सदा किए जाने वाले पूर्वतर कार्य हैं उसी का तुम अनुसरण करो और कर्म एवं क्र तुम्हें उस कर्म का ही आलम्बन करना चाहिए कर्म त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि जो परंपरा चली आए जो सब मुक्षु हैं कर्म को करके ही मुक्त हुए कर्म का त्याग करके मुक्त नहीं हुए हैं और इसलिए उन्हीं पूर्वजों के बनाए जो कर्मयोग की परंपरा है उस परंपरा को कायम रखो और तुम्हारे मुक्ति में कोई बाधा नहीं होगी तुम्हें कर्म करते हुए भी मुक्त हो जाओगे क्योंकि बंधत्व का कारण है राग द्वेष को हटा दो मोह को हटा दो और एक अपना कर्तव्य मान करके मेरा कर्म है ये ना हमारे भाई है ये ना हमारे कोई संबंधी है ये बस मेरा कर्म है कि मैं आताताइयों के दंड के लिए मेरा जन्म हुआ है एक क्षत्रिय ना बस यही एक दृष्टि रखो क्योंकि यह दृष्टि नहीं रखोगे तो फिर मोह का कारण यही तो ही है जैसे कोई डॉक्टर है सर्जन है सर्जन डॉक्टर का बस एक ही संबंध होता है रोगी के साथ वो रोगी और वैद्य का कि ये सामने वाला कौन है रोगी है मैं कौन हूं डॉक्टर हूं मैं वैद्य हूं इसके अतिरिक्त यह संबंध देखता है तो उसे कर्म नहीं हो पाएगा जैसे उसके सामने उसका बेटा आ जाए और उसका ऑपरेशन करना अपने बेटे का इसलिए कोई भी सर्जन अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ही फाड़ेगा उसको ये लगेगा लग मैं अपने बेटे को फाड़ रहा हूं यह भावना उसके अंदर आ जाएगी और जिससे ममत्व तो आएगा कि मेरा है मैं इसको फाड़ रहा हूं वो फाड़ ही नहीं सकता वो कर ही नहीं सकता इसलिए जो है दूसरे के साथ इसलिए कर पाता है क्योंकि उसमें ममत्व तो नहीं है मेरा नहीं है इस कारण कर लेता है जैसे ही मैं मत तो जुड़ता वो नहीं कर पाता फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले जाता है तो कहते हैं कि ऐसे स्थलों पर यदि उसको करना है है ऐसी स्थिति बन जाए कि भाई उससे बेहतर डॉक्टर ही नहीं पूरी दुनिया का ऑपरेशन कर रहा है पूरी दुनिया उनसे करवा रही है और उसी के पुत्र का हो जाए तब कहा ले जाएगा वो करना ही पड़ेगा ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेगा तब वहां पर उसको ये दृष्टि रखनी ही पड़ेगी कि मेरा पुत्र नहीं है जब इस प्रकार के भावना दृढ़ करेगा तब जाकर के उस क्रिया को कर पाएगा अन्यथा वो कर्म नहीं कर पाएगा कर्म से वंचित हो जाएगा अकर्म छोड़ना मतलब कि अपने धर्म से हटना कि अपने वैद्य के धर्म से हट जाएगा वो तो अपने धर्म से हटना एक पाप ही है इसलिए क्षत्रियों का क्षत्र धर्म है उससे हटना पाप है लेकिन ये दृष्टि जब हट जाएगी राग द्वेष हट जाएगा न मुझको राग है न द्वेष है बस मेरा कर्तव्य है मेरे को यह दायित्व है तो इस प्रकार से अपने दायित्व समझ करके उस कर्म को अपना स्वधर्म समझ करके कि मेरा धर्म है और करे तो भगवान कहते हैं कि वो बंधन में नहीं आएगा और इस पर बहुत से लोग चले हैं तुम्हारे पूर्वज चले हैं और कर्म का उन्होंने त्याग नहीं किया है इसलिए उन्हीं कर्मयोग को तुम्हें सहारा लेना चाहिए उसी का अनुसरण करना चाहिए अब भगवान कह रहे हैं यहाँ पर यहाँ कुछ बातें कर्म के विषय में चलेंगी और कह रहे हैं आगे भगवान किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म पर वक्ष्या्यामी यज्ञा मोक्ष से भगवान करे किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता करे क्या कर्म है क्या अकर्म है इसमें तो बड़े बड़े कवि यानी कि ज्ञानी लोग भी मोहित हैं क्योंकि ये ऐसा विषय है कि जल्दी निर्धारित नहीं हो पाता क्या कर्म है कर्म का मतलब यहां पर उन कर्मों से है जो बंधन का कारण होता है कर्म का मतलब जो बंधन का कारण होता है जो जन्म का, का कारण होता है जो दुख का, का कारण होता है वो कर्म है और अकर्म का मतलब वो कौन सा कर्म है जो कर्म होते हुए भी अकर्म है यानी कि मानो कर्म है नहीं बंधन में नहीं डालता तो क्या कर्म है क्या अकर्म है इसमें बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी भी भ्रमित हैं तत्ते कर्म परोक्षा में उन्हीं कर्म को मैं तुम्हें अब कहूंगा यज्ञा मोक्ष से शुभा जिसको जान करके तुम इन अशुभ से मुक्त हो जाओगे इन पापों से बच जाओगे ये जो पाप तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है तुमको लग रहा है कि मैं पाप करने जा रहा हूं तो अब मैं उन कर्मों को बताऊंगा जिससे तुम पापों से छूट जाओगे यानी वो कर्म तुमको पाप नहीं लगने अभी जो तुमको लग रहा है पाप वो पाप नहीं लगेगा अब मैं तुमको कहूंगा हालांकि ये विषय कैसे गंभीर विषय है कि इसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी क्या कर्म है क्या कर्म है इस निर्णय में बुद्धिमान लोग भी मोहित हैं अब उसको मैं तुमको कहूंगा जिसे तुम भली भांति जान करके और ध्यान से सुनना उसको जान करके तुम इन अशुभ से इन संकटों से इन पापों से बच जाओगे और उन कर्मों को भगवान कह रहे हैं पहले कर्म के भेद बता रहे हैं और कह रहे हैं कर्मणो ही अभी बोधव्यम बोधव्यम चिकर्मण अकर्मण बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः भगवान कह रहे हैं कि कर्मणः अभी बोधव्यम तुम्हें कर्म को भी जानना चाहिए क्या कर्म है अकर्मणः बोधव्यम अकर्म को भी समझना चाहिए तुम्हें अलग अलग विभाग करके तुम्हें समझना चाहिए कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्मणः अपि बोधव्यम तुम्हें विकर्म को भी समझना चाहिए विकर्म क्या है यानी कि विपरीत कर्म क्या है मिथ्या कर्म कर्म क्या है? क्या है है यानी कि पाप तो कर्म को भी तुम्हें जाना चाहिए अकर्म को भी जाना चाहिए विकर्म को भी जानना चाहिए क्यों क्योंकि जानोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मैं किस कर्म का आचरण कर रहा हूं ताकि मेरे को बंधन में जाना है अथवा मुक्त में जाना जाना तो तुम्हें मुक्त है सब चाहते हैं दुखों से छूट जाए लेकिन ना जानने के कारण वो कौन सा कर्म करें जिस कर्म से हम दुखों से छूट जाए सबको पता नहीं होता इसलिए कर्म तो करते ही हैं करना स्वभाव है कर्म करना ही पड़ता है परंतु पता नहीं होता है कि किस कर्म से कर कि हम मुक्त होवेंगे यही न जानने के कारण व्यक्ति जन्म मरण के बंधन में पड़ता है दुखों में पड़ता है तो भगवान करें विभाग पूर्वक तुमको समझना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को विभाग करके कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है तो कर्म वो है कि जो शास्त्रोक्त है कर्म का मतलब यहां पर उन शास्त्रोक्त कर्मों से है उन वेदोक्त कर्मों से हैं जो व्यक्ति को उत्तरोत्तर सुख के तरफ ले जाता है उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योनियों में ले जाता है वो जो वेदोक्त कर्म है शास्त्रोक्त कर्म है विधेय कर्म है उसको कर्म कहते हैं जो सुख का कारण होता है जो धर्म का कारण होता है जिसे शास्त्र में कहा सांख्य कारिका में भी कहा कि धर्मेण गमनम ऊर्ध्व कि उस धर्म को करके व्यक्ति का उर्ध्वारोहण होता है उत्तरोत्तर अच्छी योनियों में उत्तरोत्तर सुख को प्राप्त होता है तो शास्त्रोक्त कर्म हो गया वेदोक्त कर्म हो गया वो कर्म है लेकिन वो भी बंधन ही है क्योंकि उसके भी उत्तर काल में फिर दुख होता ही है चाहे हम ब्रह्मलोक तक ही क्यों न चले जाएं, ब्रह्मा ही खुद न क्यों न बन जाए या किसी भी देव योनि में चले जाएं, तो भी कहते हैं महर्षि कपिल तत्रापि समानम जरा मरणा दुखम वहां भी जरा बुढ़ापा जरा मतलब बुढ़ापा। और बुढ़ापा तो बुढ़ापा वहां भी है मृत्यु वहां भी है दुख तो लगा ही है वहां भी भले ही हम अपने अपेक्षा से सुख ज्यादा देख लेते हैं इसलिए हम कह देते है कि इष्ट है परंतु वो भी अंततः दुखदायी ही है इसलिए ये भी वास्तव में जो वेदोक्त कर्म है शास्त्रोक्त कर्म है जैसे अग्निहोत्र जो है स्वर्ग काम हो। अग्निहोत्र करे स्वर्ग चले जाएंगे तो ये इस प्रकार के जो वेदोक्त कर्म है ये सब कर्म जो है कर्म के अंतर्गत आते हैं ये विधि है इसे हानि तो नहीं होती दुख में तो नहीं जाएगा नरक में तो नहीं जाएगा दुख मतलब दुख से मुक्त भी नहीं हो पाएगा दुख तो लगा ही रहेगा उसके साथ पर दुखों से सर्वथा मुक्त नहीं हो पाएगा लेकिन उत्तरोत्तर अपेक्षाकृत सुख की वृद्धि होगी यानी जितने भी शास्त्रोक्त कर्म होते हैं उसको करने से दुखों का सर्वांश में नाश तो नहीं होता परंतु अधिक से अधिक सुख होता है कम दुख होता है और विकर्म क्या है जो शास्त्र के निषिद्ध कर्म है शास्त्र ने मना कर दिया है कि हिंसा मत करो माँ हिंसा सर्वाभूता ने किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है अब फिर कर रहे हैं मना किया है जिसको वही कर रहे हैं ऐसे निषिद्ध कर्म को कहते हैं विकर्म विपरीत कर्म को विकर्म कहते हैं तो यहां पर विपरीत कर्म जो विकर्म है ये कहां कहाँ डालेगा तो ये भौती अध, अधस्ताद भौत्य धर्मेण धर्मेण गमनम ऊर्धम भौती अधस्त तद अधर्म तो अधर्म से जो है वो अधोलोक में जाता है नरकादि लोकों में जाता है जहां पर दुख ही दुख है सुख का नामो निशान नहीं है ऐसे भी योनिया होती हैं जहां पर केवल दुख है केवल दुख तो वो वैसे जीव जाते हैं वहां पर जिन्होंने जीवन भर पाप ही किया है हिंसा आदि में ही रत है चोरी में ही रत है व्यभिचार में ही रत है उनको जो है सत्कर्मों से लेना देना ही नहीं है उनको सुनना ही पसंद है ऐसे भी जीव होते हैं इसी धरती पर होते हैं तो ऐसे जीव को जो है नरक आदि में भगवान ऐसी व्यवस्था कर रखे हैं शास्त्रों में तो इसका खूब वर्णन है वहां पर भून देंगे जाओ फ्राई कर देंगे वहां पर